दोस्तों, विकोर धमाकेदार न्यूज रिम के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, आज के इस वाले वीडियो में भी हमारे पास ऐसे सभी खतरनाक न्यूज भरी हुई है जिन सबको तो आप बिल्कुल भी मिस करना नहीं चाहेंगे। तो इसी के साथ ही और आपका ज्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे, हम बात करेंगे इसी वाले वीडियो में कि डॉक्टर स्ट्रेंज क्यों असल में बैन हो चुकी है और गॉड द गॉड बुचर की पावर लेवल कितनी तक है, जिन सभी को आपने भी थंबनेल में थोड़ा सा देखा ही होगा। तो इसी को ही इस वीडियो में आप चेकआउट करेंगे और इसके साथ साथ ढेरों ऐसे भी न्यूजेस को आप चेकआउट करेंगे जो कि काफी ज्यादा ही इंटरेस्टिंग है। तो और आपका ज्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे, चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले बात करते हैं थॉर लव एंड थंडर के बारे में। जी हाँ, हमने क्रिस हेम्सवर्थ के ही थॉर को फीचर करते हुए एक पोस्टर को देखा था जो कि स्टूडियो की ओर से ऑफिशियली रिलीज किया गया था। ठीक उसी तरीके से ही जेन फोस्टर को भी फीचर करते हुए सिमिलर सी एक पोस्टर को ऑफिशियली रिलीज कर दिया गया है, जो कि मुझे तो देखने पर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। और ये चीज भी दर्शाती है कि हमारे जेन फोस्टर के कैरेक्टर का कितना बड़ा रोल इस मूवी में होगा, क्योंकि आखिरकार थॉर लव एंड थंडर नहीं है बजाय इसके माइटी थॉर की ये मूवी होने वाली है। बात करते हैं थॉर लव एंड थंडर की ही एक और अपडेट के बारे में, जहां पर ये चीज आपको थोड़ी सी डिसअपॉइंट कर सकती है, जो कि ऐसे ही रूमर निकल कर आई है कि शायद से क्रिस हेम्सवर्थ के ही थॉर का ये आखिरी मूवी हो सकता है, जिस चीज पर मैं तो इतना ज्यादा एग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि लीक्स और रूमर्स ऐसे ही निकल कर आई थी कि असल में जो एवेंजर्स 5 की मूवी निकलने वाली है और जो नए एवेंजर्स टीम का भी फॉर्मेशन होगा, उसी टीम को ही हमारा थॉर लीड करता हुआ नजर आएगा। और मुझे इस चीज में बिल्कुल भी सेंस नहीं नजर आ रहा है कि अगर वो एवेंजर्स 5 को लीड करने वाला है तो यह उसकी आखिरी मूवी कैसे हो सकती है। फिर आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हो और क्या यह सच है, इसके बारे में आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखकर बताना। बात करते हैं थोड़ा सा मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की मूवी के बारे में, जहां पर इसी मूवी का ही फाइनल रन टाइम हमारे सामने निकल कर आ चुका है, जो कि 2 आवर 6 मिनट 21 सेकंड का होने वाला है। और जिस चीज को हमने पिछले अपडेट में ही कवर कर लिया था, लेकिन इस चीज का एक एक्यूरेट सा ही जवाब निकल कर आ चुका है, जहां पर 21 सेकंड को वापस से ऐड किया गया है। और मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की ही बिहाइंड द सीन को भी आप थोड़ा सा देख पाएंगे, जो कि एक स्टील के जरिए ही सामने निकल कर आ रही है। और इसमें हम बेनेडिक्ट कम्बरबैच को सूट के साथ खड़ा हुआ देख पाएंगे, जो कि हो सकता है हमारे क्रिस्टियन पामर की शादी को अटेंड करने के लिए गया होगा। और एक और शॉट में हम उसी के घड़ी को ठीक करते हुए देख पाएंगे, जो कि हमारे काठमांडू में ही टूट गया था। तो इसमें तो डॉक्टर स्ट्रेंज काफी ज्यादा स्मार्ट लग रहे हैं, आपके क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखकर बताना। और बर्लिन में एक प्रोटोकॉल को जो ऑर्गेनाइज किया गया था, उसी में हम सैम रैमी यानी कि इस मूवी के डायरेक्टर के साथ साथ एलिजाबेथ ओल्सन यानी कि स्कारलेट विच और हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज को भी स्पॉट कर पाएंगे। और इस चीज को ही प्रमोशन करने के लिए जोरों शोरों से सभी चीजों को फॉलो किया जा रहा है और जल्दी इसका रेड कार्ड पर भी आने वाला है। तो सभी अपडेट को हम आपसे अपडेटेड कर देंगे, तब तक आप हमारे चैनल को जुड़े होने के लिए सब्सक्राइब कर देना। बात करते हैं एक और बिहाइंड द सीन के बारे में, जो कि इंटरनेट पर काफी ज्यादा सर्कुलेट हो रही है, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ विजन के एक्टर यानी कि पॉल बैटनी के बारे में और एलिजाबेथ ओल्सन के बारे में, जहां पर आप इसके ही बिहाइंड द सीन में देख पाएंगे कि इनका हाइट डिफरेंस कितना ज्यादा गैप बड़ा है। इसीलिए ही बॉक्स पर खड़े होकर ही एलिजाबेथ ओल्सन अपने रोल को करते हैं, यानी कि स्क्रीन पर हम जो देखते हैं कि एलिजाबेथ ओल्सन काफी ज्यादा ही शॉर्ट है हमारे विजन के एक्टर से, तो इसी चीज को ही मेकअप करने के लिए वो बॉक्स पर ही खड़े होकर ही एक्टिंग करते हैं। ये तो चीज मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी कि इन दोनों का हाइट डिफरेंस इतना ज्यादा है कि हमें स्क्रीन पर बिल्कुल भी नजर नहीं आता है, लेकिन बिहाइंड द सीन में आपको पता चल गया होगा कि सीन्स को वो कैसे शूट करते हैं और हाइट को वो कैसे मैनेज करते हैं। खैर, बात करते हैं फास्ट एंड फ्यूरियस के 10 मूवी के बारे में, जिसका ऑफिशियल लुक ही हमारे सामने निकल कर आ चुका है, जिसको कि मैं स्क्रीन पर भी दिखा दूंगा। और हमारे मार्वल डीसी से भी अलग एक न्यूज को भी डिस्कस करते हैं, जिसमें आप सभी के ही फेवरेट एक्टर यानी कि जॉनी डेप के बारे में पता ही होगा, जिन्होंने कि पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन की मूवी से अपने नाम को काफी ज्यादा ही बड़ा किया था, लेकिन सैडली इतना ज्यादा मेहनत करने के बाद और आइकॉनिक कैरेक्टर को परफॉर्म करने के बाद भी स्टूडियो ने उनको धक्के मारते हुए ही इसी फ्रेंचाइजी से निकाल दिया है। और एक इंटरव्यू में जब उनको पूछा गया कि वापस से क्या आप उसी वाली फ्रेंचाइजी को ज्वाइन करना चाहोगे, तो इस पर ही उन्होंने कमेंट किया है कि मैं वापस से उसी स्टूडियो को बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं करना चाहूंगा। तो इसी के साथ ही कंफर्म हो चुका है कि फ्यूचर में हम पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन की जितने भी सभी मूवी देखने वाले हैं, उन्हीं में हमारे जॉनी डेप का कोई भी रोल नहीं होने वाला। और जो चीज ऐसे थोड़ा कॉन्ट्रोवर्सी में ही चल रहा था कि उसी वाले एक्टर को निकाल कर कोई दूसरे एक्टर को वो कास्ट करेंगे, तो ये चीज भी कन्फर्म हो चुकी है। खैर, बात करते हैं थर्ड सूट के बारे में,
यानी कि मून नाइट की सीरीज जो फिलहाल चल रही है उसी पर ही एक अपडेट आया है, यानी कि इन्हीं के ही मेजर एक्टर जो कि मून नाइट का किरदार प्ले करते हैं ऑस्कर आइज़क ने ही एक इंटरव्यू में थोड़ा सा टीज किया है कि हमें इसी वाली सीरीज में तीसरे सूट को भी देखने का मौका मिलेगा। खैर बात करते हैं गाइडेंस ऑफ द गैलेक्सी के ही मूवी के बारे में, जहां पर इसका ही जो थर्ड वॉल्यूम आने वाला है उसी में गमोरा के कैरेक्टर को ही ढूंढने का मिशन किया जाएगा। यानी कि हमारे पास ऐसी अपडेट निकल कर आई थी कि उसी मूवी का मेजर प्लॉट ही यही होगा कि गमोरा के किरदार को फाइंड आउट किया जाएगा। और इसी चीज को ही कंफर्म करते हुए जो सल्डाना जो कि गमोरा का किरदार को प्ले करते हैं उन्होंने एक बिहाइंड द सीन के फोटो को शेयर किया है, जिसको आप देखकर भी कंफर्म कर पाएंगे कि हमें इसी मूवी में गमोरा के किरदार को भी देखने का मौका मिलेगा। और शायद से ये चीज थोड़ी सी स्पॉइल भी हो चुकी है कि गाइडेंस ऑफ द गैलेक्सी के मूवी के एंड में हमें गमोरा को फाइनली मीट करवा दिया जाएगा हमारे गाइडेंस ऑफ द गैलेक्सी के टीम मेंबर से ही। तो आए दिन एक्टर से कंट्रोवर्सी भी जुड़ी होती है, जिनमें हमारे जॉन बेंथल का नाम भी ऐड हो चुका है। जी हाँ, इन्होंने ही नेटफ्लिक्स टीवी सीरीज में पनिशर का रोल प्ले किया था। तो उन्होंने ही एक इंटरव्यू में ये कमेंट किया है कि उनके लिए जो मेथड एक्टिंग हम काफी ज्यादा पसंद करते हैं वो उनके लिए बिल्कुल भी मायने नहीं रखती और उनके लिए ये बिल्कुल भी एक टाइम वेस्ट लगता है। जहां पर आप एक एक्टर के नजरिए से देखें तो ये चीज बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाती है कि आप उस कैरेक्टर में घुस जाए, क्योंकि आपके लिए डिफरेंट डिफरेंट मूवीज से डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट भी आते हैं जिन पर आप अगर मेथड एक्टिंग से ही सभी चीजों को परफॉर्म करने लगे तो वो एक्टर का बिल्कुल ही ऐसा रोल नहीं रहेगा जिसको कि वो आइकॉनिक बना सकते हैं। और इस पर ही आप क्या कहना चाहते हो इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखकर बताना। मेरी नजर में मैं अगर कहूँ तो मेरे लिए ये चीज़ तो बिल्कुल ही सेंस नहीं बनाती है कि उन्होंने इस चीज़ को क्यों पॉइंट आउट किया, क्योंकि हमने अक्सर ही देखा है जिन्होंने भी मेथड एक्टिंग किया है वो सभी चीज़ें कितनी ज़्यादा आइकॉनिक बन गई थी, लेकिन उनके नजरे में चीज़ अगर थोड़ी डिफरेंट है तो हमें उस चीज़ को रेस्पेक्ट भी करना चाहिए। बात करते हैं हमारे सबसे फेवरेट एक्टर्स यानी कि टॉबी मैक्यूरी और एंड्रू गारफील्ड के ही बारे में, जहां पर एक इंटरव्यू में जब एंड्रू गारफील्ड को ये पूछा गया कि फ्यूचर की मूवी में आप किस एक्टर के साथ स्क्रीन शेयर करना चाहोगे, तो इस पर ही उन्होंने कमेंट करते हुए सीधा इधर से उधर ना सोचते हुए टॉबी मैक्यूरी का नाम सामने रख दिया। और इस चीज को क्या हम थोड़ा बहुत हिंट मान सकते हैं कि फ्यूचर की मूवीज में हमें वापस से स्पाइडरवर्स की मूवी भी देखने को मिलेगी, इसके बारे में मुझे कोई भी आइडिया नहीं है, लेकिन हो भी सकता है स्पाइडरमैन के किरदार को छोड़कर कोई दूसरी मूवी में कोई दूसरे कैरेक्टर को ये प्ले करते हुए नजर आए, जिससे इसको मैं तो देखने के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। खैर बात करते हैं थॉर लव एंड थंडर की मूवी के बारे में, तो एक क्राफ्ट आर्टिस्ट ने ही थॉर लव एंड थंडर की ही वही वाले कॉस्ट्यूम को, यानी कि जो सभी लोग देखकर उसे थोड़ा सा रून किंग थॉर से ही कंपेयर कर रहे हैं, उसी कॉस्ट्यूम का ही एक रेप्लिका को उन्होंने बनाया है। और इसी चीज को ही उन्होंने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है, जिस चीज को देखकर आप भी इसके डिटेलिंग के बारे में थोड़ा सा आइडिया कर पाओगे कि असल में इस मूवी में थॉर लव एंड थंडर का कॉस्ट्यूम हमें कैसे ही देखने को मिल सकता है। और इसी का ही एक और न्यूज को हम डिस्कस कर लेते हैं, जहां पर हमारे पास ऐसी अपडेट निकल कर आई है कि गॉड द गॉड बुचर जो इस मूवी में अपीयरेंस देगा, यानी कि क्रिस्टियन बेल जो इस किरदार को प्ले करेंगे, तो उसी कैरेक्टर के बारे में ही ये अपडेट निकल कर आई है कि एमसीयू में उसे जैसे हमें दिखाया जाएगा उसी को ही हम देखकर थोड़ा सा कंफर्म हो पाएंगे कि असल में थानोस से भी काफी ज्यादा पावरफुल है। और इस चीज को रूमर के जरिए ही कंफर्म किया गया है, इस चीज का कोई पक्का जवाब नहीं है, लेकिन रूमर के माने तो हमें ऐसा ही कहा जा रहा है कि एमसीयू में हम गॉड द गॉड बुचर को जैसे प्रेजेंट होता हुआ देखेंगे उसी चीज को ही देखकर हमें आइडिया हो जाएगा कि ये हमारे थानोस से भी काफी ज्यादा पावरफुल है। खैर फाइनल न्यूज को जाने से पहले थोड़े से सोनी के अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जहां पर स्पाइडरमैन का ही एक मेजर विलेन जिसको कि आप बेटर से जानते होंगे क्रैवेन द हंटर के नाम से, उसी किरदार को एडन टेलर जॉनसन ही प्ले करेंगे सोनी के ही क्रैवेन द हंटर की प्रोजेक्ट में। और इसी का ही बिहाइंड द सीन भी हमारे सामने निकल कर आ चुका है, जिसको हम बिहाइंड द सीन भी नहीं कह सकते, एक काइंड ऑफ सेट की फोटो का लीक ही मान सकते हो, जिस चीज को देखकर हमें बिल्कुल भी आइडिया हो जाता है कि एरिन टेलर जॉनसन को क्रैवेन द हंटर के किरदार में प्ले करते हुए हम किस लुक में देखेंगे। और इस चीज को देखकर मुझे तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है कि ये काफी ज्यादा ही कॉमिक बुक एक्यूरेट लग रहा है। खैर आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हो और आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर से बता देना। बात करते हैं इसके ही बहुत सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में जो कि डिले हो चुकी है, जहां पर स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स की जो सेकंड पार्ट आएगी यानी कि स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स, इसी की मूवी को डिले करते हुए 2 जून को शिफ्ट कर दिया गया है। और इसके आगे जो मूवी आने वाली थी यानी कि मैडम वेब का जो मूवी आने वाला था उसी को ही डिले करते हुए वापस से 7 जुलाई को शिफ्ट कर दिया गया है।
और ये दो मूवीज अब डिले हो गई। तो इसी के साथ साथ स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स की भी जो सेकेंड पार्ट आएगी उसी को भी डिले कर दिया गया है और जो शिफ्ट होकर 29 मार्च को ही शिफ्ट हो चुका है 2024 में। फाइनली बात करते हैं मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की जो मेजर कंट्रोवर्सी निकल कर आई है उसी के दौरान ही एक कंट्री में इसको बैन कर दिया गया है। जी हाँ, सऊदी अरेबिया में इसी मूवी को बैन कर दिया गया है जहाँ पर इस मूवी का कलेक्शन इसी कंट्री से नहीं निकल कर आएगा। और इसे बैन करते हुए इसको रीजन ये दिया गया है कि जो अमेरिकन सेवेज के कैरेक्टर गे कैरेक्टर में इसको दिखाया जाएगा उसी वाली चीज से ही सऊदी अरेबिया की कंट्री काफी ज्यादा अफेंड हो चुकी है और इसी के चलते ही इस मूवी को उन्होंने बैन कर दिया है, जिस चीज पर मैं बिल्कुल भी कमेंट नहीं करना चाहूंगा क्योंकि ये काफी ज्यादा सेंसिटिव टॉपिक है। तो आज का न्यूज रूम का एपिसोड का सफर यहीं तक की था और आप इसके बारे में जानकर क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखकर बता देना और ऐसे ही कंटेंट से रोज जुड़े होने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि रोज ही हम ऐसे कंटेंट्स लेकर आते रहते हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, मैं मिलूंगा आपसे किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय।